बहाली भर्ती परीक्षा के नाम पर अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा यानी TRE 3 में पास कराने या फिर कम अंक आने पर उसे बढ़ाने के नाम पर लोगों से पैसे की उगाही की जा रही है। परीक्षा में झांसा देने को लेकर साइबर अपराधियों का गिरोह एक्टिव हो गया है। आर्थिक अपराध इकाई ने इसे लेकर लोगों को ऐसे शातिर ठगों से बचने की अपील की है। अधिक जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता संजय कुमार। शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE 30 को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल इस पुनर्परीक्षा में पास कराने अथवा कम अंक आने की बात कहकर अंक बढ़ाने के नाम पर बड़े पैमाने पर रुपए की ठगी किए जाने का प्रयास किए जाने का मामला आर्थिक अपराध इकाई तक पहुंचा है और आर्थिक अपराध इकाई ने इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी कर दी है। आर्थिक अपराध इकाई ने सभी अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को सावधान रहने को कहा है और उनसे अपील किया कि अगर किसी भी व्यक्ति या परीक्षार्थी को परीक्षा में फेल होने अथवा अंक बढ़ाने का फोन आए तो ऐसे फर्जी कॉल अथवा सोशल मीडिया पर जो ईमेल है उसको आप इग्नोर करें, उस पर ध्यान न दें। यदि कोई परीक्षा में पास कराने अथवा मार्क्स बढ़ाने के लिए पैसे की मांग करता है तो कभी भी उसे पैसे न दें, क्योंकि यह बिल्कुल भ्रम फैलाकर ठगी करने का एक तरीका साइबर क्रिमिनल्स ने अपनाया है। आर्थिक अपराध इकाई ने इसको लेकर सभी अभिभावकों, उनके संबंधियों, मित्रों, पड़ोस के लोगों को भी सावधान करते हुए कहा है कि ऐसे फर्जी कॉल के झांसे में नहीं आना है। पटना स्थित सोशल मीडिया पेट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग यूनिट के मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 8544-28404 एवं ईमेल आईडी पर आप इसकी तत्काल सूचना दें। शीघ्र इसकी जाँच पड़ताल कर जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी अगर कोई जो साजिश करता है या फिर जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो अगर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा TRE 30 को लेकर आपको किसी तरह का झांसा देता है तो उसके झांसे में बिल्कुल नहीं आए और आर्थिक अपराध इकाई को सहयोग करें। कैमरा पर्सन मनीष जुनिया के साथ संजय कुमार, News 18 पटना। बघा के पटखौली थाना क्षेत्र में 50 लाख की ठगी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर दो लोगों ने थाने में आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। पीड़ितों ने PACL इंडिया लिमिटेड के एजेंट पर ठगी का आरोप लगाते हुए बताया कि एजेंट के पास 10 साल से किस्त में पैसा जमा कर रहे थे, लेकिन पैसे रिटर्न करने के नाम पर एजेंट मुकर करते हुए पीड़ितों के साथ मारपीट की, जिसको लेकर पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मामला यह बैठे कि हम निश्चय गुड्डू को हलवाना आगो बीम कि तनिक तो जमा पैसा कर जान तो लगे छोटे छोटे लड़की बाड़ी सन जौने कुछ हो जाए तौने तो कुछ हो जाए तो हनिके देवे हुए के हम निश्चय इतना भरमा के कह के हमन के पैसा जमा करा ले लोग हमनिके अपन चाउर बेच के गेहूँ बेच के जथी कमाई सन तथी में से बेच बेच के जमा कह के देहनी सन आ ए बार मांगे गईला पर धमकी देते लोग का त PLCL के दो एजेंट हैं, गुड्डू प्रजापति और गोविंद प्रजापति। दोनों ने हम लोग को आश्वासन दिया 2011 से PLCL कंपनी लेकर आया और बोला कि आप लोग पैसा जमा कीजिए, 5 साल पे हम दोगुना करके आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे जितने भी ग्रामीण और गरीब आदमी हैं, हम लोग भी हैं, हम लोग पैसा जमा किए विश्वास करके उसका, और वो लोग क्या किया कि उस पैसा को गमन कर लिया। जब हम लोग को द्वारा ग्रामीणों के द्वारा जब पैसा की मांग की गई है तो वो लोग हमारे द्वारा मारपीट और झगड़ा करने के उतारू हो रहा है। PACL कंपनी के कुछ एजेंट थे जिन्होंने पैसा कलेक्ट किया था, तो PACL इंडिया के बारे में जब सेबी पे सर्च किया गया तो पता चला कि PACL इंडिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सेबी भी जो PACL के जो इन्वेस्टर थे उनका पैसा विभिन्न माध्यमों से वापस करने के लिए उसने एक पोर्टल भी बना के रखा हुआ। तो जिन लोगों का इसमें मतलब PACL इंडिया लिमिटेड में जिनका पैसा फंसा हुआ है उन लोगों से आग्रह है कि सेबी के पोर्टल पे जाके अपने जो मूल दस्तावेजों के साथ उसमें पैसा रिफंड या क्लेम करने का जो भी है प्रोसेस है उचित माध्यम से करें। बिहार में बुधवार को बारिश के बीच ठनका गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग ने जमुई और नवादा जिले के लिए अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। सूखे की दहलीज पर खड़े दक्षिण बिहार के किसानों के लिए बुधवार को राहत वाली बारिश बरसी। ज्यादातर इलाकों में हुई बारिश ने लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन आसमानी आफत के साथ।
बारिश के बीच आसमान से गिरती बिजली ने कई लोगों की जान ले ली। गुरुवार को ठनका गिरने से पति पत्नी सहित 5 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। ये लोग खेत में पटवन करने गए थे। बुधवार से अब तक ठनका गिरने से बिहार के अलग अलग जिलों में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले गया में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। जहानाबाद में 4, छपरा में 3, नालंदा में 2, रोहतास में 2 और औरंगाबाद में 1 व्यक्ति की मौत ठनका गिरने से हुई। बिहार में बारिश की स्थिति अगले 3-4 दिन में और बेहतर होगी। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 6 अगस्त के दौरान पटना सहित सभी जिलों में गरज के साथ अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने ठनका गिरने को लेकर भी चेतावनी जारी की है। जमुई और नवादा जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को इस दौरान घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ठनका से बचने के लिए क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए। बारिश के दौरान खेत या खुले मैदान में न जाएं, पेड़ या किसी ऊंचे खंभे के नीचे न खड़े हों, किसी छत के नीचे सुरक्षित जगह ढूंढें, खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें, प्लंबिंग और लोहे की पाइपों को बिल्कुल न छुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के प्लग निकाल दें, तार वाले टेलीफोन का कतई इस्तेमाल न करें। आपकी जान बहुत ही कीमती है, ऐसे में सावधानी भी जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी बड़ी परेशानी से बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़18। जमुई के झाझा थाना इलाके से 22 जुलाई को 5 करोड़ की फिरौती के लिए 2 युवक के अपहरण का साजिश करता कुख्यात अपराधी रवि चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हनी ट्रैप कर अपराधियों ने अभिमन्यु कुमार और राहुल नेहरू को उनकी कार के साथ अगवा कर 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को सकुशल रिहा करा लिया। साथ ही कुख्यात धर्मा पासवान और सहयोगी अर्जुन सिंह को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस इस मामले में अब तक 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बताया जा रहा है कि 5 करोड़ के लिए अपहरण की साजिश गिरफ्तार रवि चौधरी ने पटना के एक होटल में रची थी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। प्राप्त हुई थी और जो डिजिटल एविडेंस भी हम लोग के पास आया है, उसमें जो मुख्य अभियुक्त जो साजिश करता थे धर्मा पासवान, उनके साथ एक और बांका जिला के अभियुक्त हैं, जिनका पूर्व में काफी लंबा आपराधिक इतिहास है, रवि चौधरी, पिता अशोक चौधरी, ग्राम चिरायता, थाना बेलहर, जिला बांका। इनके साथ इनकी संलिप्तता पाई गई है धर्मा पासवान की। इन लोगों ने मिलकर प्लानिंग किया था और मुझे लगता है कि जमुई जिले से बाहर किसी क्षेत्र में इनके द्वारा एक मीटिंग की गई थी, जहां पे लगभग 8-9 लोगों की संख्या में इन लोगों ने प्लानिंग किया था। और जो विक्टिम है उनके पीछे ये लोग कई दिनों से लगे हुए थे और उनके जो जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होगा और जो भी उनका जो काम करने से जो भी उनके फायदे होंगे या जो उनके पास पैसों की सूचना उनके पास होगी, उसके तहत इन लोगों ने प्लान किया था कि उनकी किडनैपिंग करेंगे। पूर्णिया के खजांची हार थाना क्षेत्र के तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में हुई लूट का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने लूटे गए डायमंड रिंग के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 6 दिन पहले दिन दहाड़े